हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी ब्लेंडिंग के बारे में, कुछ ब्लेंडिंग टिप्स है और कुछ ब्लेंडिंग टेक्निक्स है, तो उसके बारे में आपको मैं दिखाऊंगी। जैसे कि आप सबको पता है कि ब्लेंडिंग एक बहुत ही नेसेसरी फैक्टर है स्केचिंग में। ब्लेंडिंग करने से स्मूथ टेक्सचर आता है और आपके पेंसिल्स के जो भी मार्क्स होते हैं वो स्मूथ टेक्सचर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ब्लेंडिंग करने से आपका स्केच का लुक बदल जाता है और बहुत ही अच्छा लुक आता है आपके स्केच के ऊपर। और उस ब्लेंडिंग करने के लिए बहुत ही टेक्निक्स और टिप्स होते हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलो चलते हैं। सो गाइस, ब्लेंडिंग करने के लिए जो फोर बेसिक नेसेसरी टूल्स आपको चाहिए वो है ये क्यूटिप, इसको कॉटन ब्रश भी बोलते हैं, और ये ब्लेंडिंग ब्रश, ये मेकअप ब्रश है, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा कौन से भी कॉस्मेटिक स्टोर पे, और ये ब्लेंडिंग स्टंप और टिश्यू पेपर। तो इन चारों टूल्स में से आप कौन सा भी टूल यूज कर सकते हैं आपकी आपके स्केच में ब्लेंडिंग करने के लिए। ये चारों ही बहुत ही अच्छे टूल्स हैं, तो इस टूल से कैसे ब्लेंड कर सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलो, ये है चार टूल्स जो ब्लेंडिंग के लिए काम आते हैं। ब्लेंडिंग स्टंप्स में 6 पीसेस आते हैं अलग अलग साइज के, तो आपको कहीं छोटी जगह पे ब्लेंड करना हो तो आप छोटा ब्लेंडिंग स्टंप यूज कर सकते हैं, और बड़ी जगह पे ब्लेंड करना हो तो बड़ा स्टंप यूज कर सकते हैं। और ये है टिश्यू पेपर, और ये है मेकअप ब्रश, और ये है क्यू टिप्स। तो अब एक एक करके मैं सारे टूल्स यूज करके आपको दिखाऊंगी कि मैं ब्लेंडिंग कैसे करते हैं। पहले मैं ये लूंगी ब्लेंडिंग ब्रश और अ मेकअप ब्रश, इससे मैं आपको ब्लेंड करके दिखाऊंगी। सेकेंड हम लेंगे ब्लेंडिंग स्टंप, ये ऑलरेडी क्लीन्ड है, तो इसको कैसे क्लीन करते हैं इसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नेक्स्ट मैं एक टिश्यू पेपर का यूज करूंगी ब्लेंड करने के लिए। नेक्स्ट मैं यूज करूंगी क्यू टिप। गाइस, आप ये देख सकते हैं कि ब्लेंडिंग करने के पहले कुछ ऐसा था और ब्लेंडिंग करने के बाद इसका टेक्सचर कुछ ऐसा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस कि ब्लेंडिंग करने के बाद कैसा होता है और ब्लेंडिंग करने से पहले कैसा होता है। ब्लेंडिंग करने के बाद शीट का टेक्सचर एकदम चेंज हो जाता है और स्मूथ इफेक्ट देता है।